नट और बोल्ट को चलाना पड़ता है ना। अरे मोटरसाइकिल को चलाओगे तो उसको ड्राइव कर रहे हो, नट और बोल्ट को भी तो घुमाना पड़ेगा ना, उसको चलाना पड़ेगा। उसके क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप उंगली से और अंगूठे से उसको टाइट कर दें। मॉड्यूल 1 हम पढ़ रहे हैं, असेंबली। असेंबली में स्क्रू भी हो गया, नट भी हो गए, बोल्ट भी हो गए, वॉशर भी हो गए। आज इस लेक्चर में हम समझेंगे क्या, ड्राइविंग अरेंजमेंट। ड्राइविंग अरेंजमेंट से क्या मतलब समझ में आ रहा आपको, क्या होते हैं ड्राइविंग अरेंजमेंट, किसको कहें ड्राइविंग अरेंजमेंट। ड्राइविंग मतलब ड्राइव तो करते हो ना, मोटरसाइकिल को ड्राइव करना मतलब। इसी तरह नट और बोल्ट को चलाना पड़ता है ना। अरे मोटरसाइकिल को चलाओगे तो उसको ड्राइव कर रहे हो, नट और बोल्ट को भी तो घुमाना पड़ेगा ना, उसको चलाना पड़ेगा। उसके क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप उंगली से और अंगूठे से उसको टाइट कर दें। बहुत आम चीज़ें हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, कई तरीके के ड्राइविंग अरेंजमेंट होते हैं, जिसमें पहला है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू मतलब जिसको हम बिना नट के प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे पेच, जिसको हिंदी में हम पेच कहते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर मतलब जो ऐसा ड्राइविंग अरेंजमेंट या ऐसा कोई टूल जो स्क्रू के लिए हम प्रयोग करें, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं पता है किसी को, पेचकस। ये देखा है सबने, ये तो सबने देखा होगा ना, इसको इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। क्योंकि इससे आप नट बोल्ट को नहीं चलाते ना, ड्राइव करते, नट बोल्ट के लिए तो चाबी होती है, इससे हम स्क्रू करते हैं, स्क्रू को ड्राइव करते हैं, राइट। तो इसको कहते हैं हम स्क्रू ड्राइवर, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, पेचकस। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, लाइट ड्यूटी। देखिए जब हम इस ड्राइविंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें संपूर्णता में पूरी चीज़ पढ़नी पड़ेगी ना। पेचकस तो हमें सबको पता है, ये किस किस कैटेगरी में समझे जा सकते हैं भाई। एक तो लाइट ड्यूटी, छोटे होते हैं, पतले होते हैं, इनका जो ये स्टेम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्टेम। स्टेम पतला होगा, गोल होगा आमतौर पर। तो लाइट ड्यूटी मतलब जो आप हाथ से जितना जोर लगा सकते हैं उतना लगा देते हैं, लाइट ड्यूटी हो सकते हैं। वीक और क्या हो सकते हैं, हैवी ड्यूटी हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा जोर लगाओगे तो ये प्लास्टिक वाला जो इसका वो है, पीवीसी वाला जो एरिया है, ये निकल जाएगा, मतलब ये आपका स्क्रू ड्राइवर ख़राब हो जाएगा। तब हम हैवी ड्यूटी वाले को क्या करते हैं, चकोर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं बेटा, जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो चकोर बनाएंगे। आपको इस से देख के समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये तो आगे का फल हुआ, इसका पीछे जो ये स्टेम है ये चकोर बनाते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आपको ज़्यादा जोर लगाना है जो हाथ से तो लग नहीं सकता, तो हम यहाँ पर एक चाबी जैसा एक अरेंजमेंट लगा के और फिर उसको कसते हैं। तो जब एक टॉर्क लग जाती है तो ज़्यादा ताकत लगाई जा सकती है ना। मतलब इसमें तो आप ऊपर से ऐसे ताकत लगाओगे, इसमें टॉर्क कितनी है, जितना बड़ा इसका डायमीटर है। अगर हमने यहाँ पर एक आर्म लगा के और उसको फिर ऐसे घुमाया तो फिर ज़्यादा ताकत लगाई जा सकती है ना। उसके लिए गोल नहीं, फिर हम क्या बनाते हैं, इसको चकोर बनाते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चकोर। आपने एक और देखा होगा, उसको कहते हैं फिलिप्स, फिलिप्स तरीके का। ये तो ऐसा होता है जिसमें एक फल होता है इस तरह से, एक नाइफ एज आपको मिलती है, ये भी आपने देखा होगा, चार मुंह वाला देखा होगा ना बेटा। इसको हम फिलिप्स स्टाइल का या फिलिप्स टाइप कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर होता है, ये भी स्क्रू ड्राइवर है। जैसा ये स्क्रू ड्राइवर होगा वैसे ही आपके पेच में, सर में उसको बिठाने की जगह होगी। अगर चार मुंह वाला है तो चार मुंह की जगह होगी, और अगर सिंपल ये एक फल वाला है तो आपको जैसे काउंटर संक, आपने स्क्रू देखे होंगे ना काउंटर संक, उसमें ऊपर जैसे ही उसका हेड है यहाँ पर एक ऐसे स्लॉट बना रहता है, इसमें ये पेच कस फंस के और तभी तो चलाते हो आप उसको। तो जैसा ये इसका शेप होगी वैसा ही आपको स्क्रू, या ये कह लो जैसा स्क्रू के हेड में जगह होगी वैसे ही आपको इसका ड्राइविंग अरेंजमेंट लेकर आना पड़ेगा। समझ मारिए बेटा बात। इसके अलावा एक और होता है, उसको कहते हैं लंदन पैटर्न। ये सब फोटोग्राफ उसमें आ सकती है, एग्जामिनेशन में ये आपको चित्र दिखा के पूछा जा सकता है कि ये कौन सा स्क्रू ड्राइवर। जो ये लंदन पैटर्न आपका स्क्रू ड्राइवर है, ये आपको रेती जैसा लगेगा देखने में, मतलब अगर चित्र में आप इसको देखेंगे तो रेती जैसा लगेगा, कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जा सकता है बेटा। यहाँ पर इसके हैंडल लग रहा होगा, इसमें जो ये नाइफ एज है ना, ये तो आपकी छोटी सी नाइफ एज है, उसमें ये बिल्कुल चपटा होता है, चपटे में थोड़ा टॉर्क आम बढ़ जाती है, तो एक पैटर्न है, मतलब एक तरीके की शेप है, इसको हम क्या कहेंगे, लंदन पैटर्न। मैं साथ में फोटोग्राफ डालता रहूँगा, आप लोग उसको देख के समझ जाएंगे। बस रेती में और इसमें क्या फ़र्क है, रेती में यहाँ पर आपको ऐसे कट के निशान दिखाई देंगे, इसमें नहीं होता, ये प्लेन होता, और होगा ऑफसेट, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ये मैंने जितने भी लिखे हैं ये सारे स्क्रू ड्राइवर की श्रेणी है, ये आपका हेडिंग है स्क्रू ड्राइवर
ड्राइविंग अरेंजमेंट का पहला हेडिंग स्क्रू ड्राइवर, उसमें क्या क्या प्रकार के स्क्रू ड्राइवर हो सकते हैं वो मैंने आपको लिखा है। ऑफसेट कैसा होता है, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ऑफसेट मतलब क्या है, इधर से तो ये ऐसा आ रहा है फल और पीछे की तरफ से ये फल ऐसा है। इसको क्या है, पलट पलट के आप, मतलब जगह नहीं मिलती ना कभी कभी, भाई चाबी को भी आप ऐसे घुमा घुमा के लगाते हैं, कभी ऐसे पलट के लगाते हैं, कभी ऐसे पलट के लगाते हैं, क्योंकि जगह नहीं मिल रही, आपको चाबी फंसानी है ना। तो ये कुछ स्क्रू ड्राइवर के प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। अगली कैटेगरी क्या हो सकती है, स्क्रू ड्राइवर के अलावा और क्या चीज़ होगी जो आपके फास्टनर्स को ड्राइव करेगी, उसको चलाएगी। स्क्रू की बात तो कर ली, नट बोल्ट तो नहीं चलेंगे इससे, आपको पेच कसते कभी नट बोल्ट खोलना पड़ेगा, आप खोल दोगे क्या, पेच कसते तो नहीं खुलेंगे, नट खुलेगा नहीं खुलेगा, पेच खुल जाएंगे क्योंकि पेच के सिर पे वो बना होगा। तो नट बोल्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं आप बताओ, पाना, चाबी, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पैनर। क्या कहते हैं बेटा, ये सबने देखा होगा, इसकी बात कर रहा हूं, ये तो इसी से तो खोलते हैं आप नट बोल्ट, बहुत सिंपल है, सबने देखा होगा। दूसरी कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं स्पैनर की, इसको हम प्रयोग करते हैं नट बोल्ट के लिए, उनको ड्राइव करने के लिए। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, ओपन एंडेड हो सकते हैं, ओपन एंडेड मतलब जिनके किनारे खुले हुए हों, यही है वो, ये देखें आप इसके किनारे खुले हुए हैं ना, अभी आगे हम देखेंगे रिंग टाइप भी होगा जिसके किनारे बंद होते हैं, ओपन एंडेड है ना। अब ये ओपन एंडेड भी दो प्रकार के हो सकते हैं बेटा, सिंगल एंडेड या डबल एंडेड। आपने ऐसी चाबियां देखी होंगी जो सिर्फ एक तरफ ही जिनका मुंह बना होता है, दूसरी तरफ नहीं होता, उसको सिंगल एंडेड कहते हैं, एक ही तरफ बनी हुई है, और ये डबल एंडेड है। ये बात समझ में आ रही है, ऑल राइट। दूसरा क्या हो सकता है, रिंग स्पैनर, रिंग स्पैनर ये भी आपने देखा होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, देखा है सबने, थोड़ा सा ये झुका हुआ होता है, यहां से उठा हुआ होता है, आमतौर पर हम इसको वहां प्रयोग करते हैं जहां पर या तो बोल्ट का सर या नट अंदर डूबा हुआ है, वो सतह के बाहर नहीं है, आमतौर पर थोड़ा सा अंदर डूबा हुआ है, वहाँ पर चलाने के लिए हम इसको करते हैं, या जहाँ पर इतनी जगह नहीं मिल रही कि आप चाबी को प्रयोग कर सकें। इसका ये जो थिकनेस है ये कम होती है, देखो आप अगर दोनों को कंपेयर करें, इतनी जगह इसको कम से कम चाहिए, इससे दुगनी जगह चाहिए, तभी तो घूमेगा भी ना, सिर्फ फंसाना नहीं है उसे, घुमाना भी तो है ना उस जगह में। अगर यहाँ पर नट फंसा हुआ है आपका, तो इतना तो यही मोटा है, इसके बाद घूमने के लिए भी तो उसकी जगह चाहिए ना, इसमें घूमने के लिए जगह नहीं चाहिए क्योंकि ये सर्कुलर है, इसमें इतनी जगह में काम हो जाएगा, मतलब नट के अगर चारों तरफ इतनी भी जगह है तो ये घूम जाएगा बड़े आराम से। आपको बस ये याद रखना है कि ये 8 के सेट में स्टैंडर्ड आते हैं और ये 27 mm तक आते हैं, 8 mm से लेके 27 mm तक आते हैं सेट में, लेकिन अगर आपको इससे बड़ा या छोटा चाहिए होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑर्डर पे बनवा लो, मार्केट में वो नहीं मिलेगा आपको, ऐसे सेट में नहीं मिलेगा, वरना बनवा सकते हो आप, ठीक। तो स्पैनर ये तो समझ में आ गया। इसके अलावा तीसरी श्रेणी क्या हो सकती है, सॉकेट, सॉकेट स्पैनर। देखिए इन दोनों में फ़र्क समझ लो, सॉकेट किसको कहते हैं और रिंग किसको कहते हैं। ये एक रिंग जैसा है ना, इधर से बंद है ना उधर से बंद है, इसको सॉकेट कहते हैं। कार के व्हील को चेंज करने में आमतौर से आपने इसको, हाँ आपने देखा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्पैनर, सॉकेट टाइप। तो ये भी स्पैनर ही है, नट बोल्ट के खोलने के काम ही आता है, उसको ड्राइव करने के काम आता है, कारों के टूल बॉक्स में आपने आमतौर पर इसको देखा होगा, इसको हम कहेंगे सॉकेट वाला, ठीक, सॉकेट टाइप स्पैनर, सॉकेट टाइप स्पैनर। और क्या हो सकता है, एडजस्टेबल, आपको ये इंग्लिश का वर्ड पता है, एडजस्टेबल किसको कहते हैं, एडजस्टेबल मतलब जिसको छोटा बड़ा किया जा सकता हो, जिसको एडजस्ट किया जा सकता हो, इसको स्लाइड रिंच भी कहते हैं, स्लाइड रिंच भी कहते हैं। कुछ स्पेशल पर्पज होते हैं, स्पेशल पर्सन मतलब उसको कीज भी कहते हैं कभी कभी हम, कि कुछ खास चीज़ों को खोलने के लिए ही हमने उनको बनाया है, जैसे आपने मोटरसाइकिल के स्पार्क प्लग को खोलने के लिए देखा होगा, ये चीज़ की बात कर रहा हूँ, है तो ये सॉकेट स्पैनर ही, लेकिन एक खास पर्पस के लिए हमने इसको बनाया है, क्योंकि स्पार्क प्लग में जहाँ पर वो लगा है आपका हेक्सागोनल पहल, उसके बाहर भी कुछ निकला हुआ है तो वो इसके अंदर चला जाता है और ये उस नट तक पहुँच जाता है, फिर हम इसको घुमा घुमा के स्पार्क प्लग को निकाल लेते हैं। या आपने सिलेंडर की की देखी होगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर की की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें भी एक सॉकेट बना हुआ है तो ये सॉकेट स्पैनर ही, लेकिन स्पेशल पर्पज़ के लिए बना हुआ है, तो हम स्पेशल पर्पज़ भी बना लेते हैं स्पैनर, कुछ चीज़ें खोलने और बंद करने के लिए, ड्राइव करने के लिए।
हुक स्पैनर, इसको सी स्पैनर भी कहते हैं, सी शेप स्पैनर भी कहते हैं। अच्छा ये मेरे पास है नहीं, पर मैं आपको एक तो इसकी फोटोग्राफ डाल दूंगा और बना के भी दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आमतौर पर सर्कुलर नट को खोलने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब वो सर्कुलर नट कैसा हो, मान लीजिए ये नट है, इसको समझने की कोशिश करना बच्चों, ये नट है, यहाँ पर चूड़ियाँ अंदर कटी हुई हैं। इस नट में होता क्या है, यहाँ पर एक स्लॉट बना होता है ऐसा, और एक स्पैनर होता है, उसको हुक स्पैनर कहते हैं, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है बेटा। राइट अब इसकी जो ये चीज है, जो हुक है, ये हुक हम यहां फंसाते हैं और फिर इसको ऐसे खोलते हैं या ऐसे करके बंद करते हैं, बस बीमारी। इसको पलट के लगा दोगे तो ये बंद करने लगेगा, इधर से घुमाओगे तो ये खोलने लगेगा, कुछ ऐसा है, बस बीमारी बेटा। तो इसको हम क्या कहेंगे, हुक स्पैनर कहते हैं क्योंकि इसमें हुक लगा रहता है, और या इसको सी स्पैनर भी कहते हैं, सी शेप स्पैनर कहते हैं क्योंकि ये सी के आकार का है, बात समझ में आ रही है। ओके फेस रेंच, अब ये जो इसके दो आपको फेस पे हुक दिखाई दे, उसमें तो सिंगल हुक था, इस पे फेस पे है, फेस पर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, फेस रेंच या फेस स्पैनर या फेस ड्राइविंग ड्राइवर। ठीक है तो ये उन दो होल्स पे जाके ऐसे फंस जाता है और फिर जब हम इसको घुमाते हैं तो वो घूमने लगता है, ऐसे घुमाओगे बंद हो जाएगा, ऐसे घुमाओगे खुल जाएगा, डिपेंड करता है लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ समझ में आ रही है ना, एक तरफ घुमाने पे एक चूड़ी बंद होती है, दूसरी चूड़ी खुलने लगती है, अगर उसकी चूड़ियों की डायरेक्शन ही आपने उल्टी काट रखी है। तो ये हो गया आपका रेंच, फेस रेंच। इसको भी आप ऑफसेट कह सकते हैं, देखिए ऑफसेट मतलब एक ड्राइविंग अरेंजमेंट इस तरफ लगा हुआ है फेस के, एक ड्राइविंग अरेंजमेंट इस तरफ लगा हुआ है। इसको आप देखेंगे इसमें छह पहल आपको दिख जाएगी। तो अगर ये एलन की तरह यूज हो सकता है इस तरफ से, और फेस स्पैनर की तरह यूज हो सकता है इस तरफ से, कोई दिक्कत। इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास, और इसके अलावा भी बहुत सारी शेप के हो सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड हैं, पॉपुलर हैं, बहुत आम हैं, सब मार्केट में मिल जाते हैं, हार्डवेयर के स्टोर पर मिल जाते हैं, और लगभग हर फैक्ट्रियों में ये सारी तरह की किस्मों के चीज़ें आपको प्रयोग करने में मिलेंगी। ठीक है ये डिज़ाइनर का काम है कि कौन सा शेप का नट बोल्ट लगेगा, कितने साइज का लगेगा, लेकिन आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि अगर नट बोल्ट या फास्टनर इस शेप का लगा है तो स्टोर में से जाके इस ड्राइविंग अरेंजमेंट कौन सा उठा के लाओगे। ये थोड़ी बताया होगा ड्राइविंग, उसमें ड्राइंग में ये थोड़ी लिखा होगा कि हम नट बोल्ट ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए ये रही चित्र, इस चित्र का स्टोर में ढूंढना कहाँ है आपका स्पैनर। इतनी समझदारी तो आपको होनी चाहिए ना। पावर, वो शक्ति कहाँ से आ रही है जो इसको ड्राइव करेगी, तो पहला तो आप समझ जाएंगे शक्ति कहाँ से आती है भाई, उसको क्या कहेंगे, मैनुअल। मैनुअल मतलब जो आपकी शारीरिक शक्ति है भाई, पेचकस हो या स्पैनर हो, उसको आप अपने हाथ की शक्ति से ही तो घुमा रहे हैं, तो उसको हम मैनुअल कहेंगे, या तो पावर आप मैनुअल लगा रहे हैं। इसमें भी टॉर्क स्पैनर आते हैं बेटा, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, कभी कभी मिल जाता है, मतलब जहाँ पर बहुत प्रिसाइज इंजीनियरिंग की बात हो रही हो वहाँ पर इस तरह की कि आपको लाइनें ड्राइंग में लिखी हुई मिल जाएंगी कि इस नट बोल्ट को कसते हुए इतने टॉर्क पे इसको कसना है, ना उससे ज़्यादा हो जाना चाहिए ना उससे कम रह जाना चाहिए, इतने टॉर्क पर ये कसा होना चाहिए। ज़्यादा कसोगे तो उसमें स्ट्रेसेस आ जाएंगी, तो हो सकता है उसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाएं, कम कसोगे तो वो ढीला रह जाएगा, वाइब्रेशन पे खुल जाएगा। तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपको फास्टनर इस टेंसाइल स्ट्रेस का स्ट्रेंथ का यूज़ करना है, और इसको जब आप कस रहे हो तो इतनी टॉर्क पे आपको इसको कसना है। तो मैनुअल में टॉर्क वाले आते हैं, उसमें एक वो होगा, मतलब ऐसे एक जैसे घुमा के वो अलग अलग जगह सेट नहीं करते, उस पर लिखा होगा 7 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क, आपने जिस पे उसको सेट कर दिया, मैं इसमें फोटोग्राफ डाल दूंगा बेटा उसकी, उतनी टॉर्क लगाने के बाद वो फिसलने लगता है, उससे कम में वो कसता रहेगा, जब तक वो फिसलना शुरू नहीं होता आपको तो बस उसको चलाना। आपने वो देखा है स्क्रू ड्राइवर को, माइक्रोमीटर में पीछे एक रैचेट लगा रहता है ना बेटा, जब तक वो लग जाता है वहां पर आके तो तब तक वो बंद करता रहता है, एक बार उसने टच कर दिया तो उससे ज्यादा टॉर्क आप लगा ही नहीं सकते, वो फिसलने लगता है, उसी को हम कहते हैं टॉर्क वाला स्पैनर। तो मैनुअल लगा तो आप हाथ से ही रहे हो, लेकिन उसमें टॉर्क को फिक्स करने का अरेंजमेंट होता है। और दूसरा तरीका, और भी एक तरीके के आते हैं, उसको कहते हैं रैचेट, इसको भी आपको याद रखना है बेटा, इन दोनों नाम को याद रखना है, रैचेट एक नया नाम है आपके पास।
पर आपने इसको देखा होगा, रैचेट एक ऐसा अरेंजमेंट है कि एक तरफ तो वो चलेगा और दूसरी तरफ वो फिसलेगा। तुमने साइकिल चलाई है, साइकिल का पैडल एक तरफ तो साइकिल को चलाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, फिसल के चलेगा। उल्टा पैडल चलाने पे साइकिल उल्टी थोड़ी चलती है बेटा, क्योंकि पिछले पहिए में एक रैचेट अरेंजमेंट लगा हुआ है, वो दांते इस तरफ तो चलेंगे लेकिन पीछे की तरफ उठ के चलेंगे, मतलब फिसल के चलेंगे, पीछे की तरफ लॉक नहीं होते वो। इसका फायदा क्या है, आपको एक ही जगह घुमाते रहना है। सी मान लीजिए इसमें यहां पर कोई रैचेट लगा होता अरेंजमेंट, इसमें नहीं लगा है, मान लीजिए लगा होता तो मैं इसको यही के यही बस ऐसे ऐसे करता रहता, ऐसे ऐसे करता रहता, इसको पलट के निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, उसमें आवाज भी आती है, पीछे जाते हुए करकर की आवाज आएगी, आगे जाते हुए कसता रहेगा। तो ये है इसका रैचेट, रैचेट मतलब वो एक डायरेक्शन में फिसलेगा। तो आपने एक बार स्पैनर लगाया तो आपको बस नलके की तरह ये वाला वो करना है, एक्शन करना है, वो अपने आप कसता हुआ चला जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। रैचेट में टॉर्क वाला अरेंजमेंट हो सकता है कि उस टॉर्क तक वो कसेगा, उसके बाद वो स्लिप होना पड़ेगा, लगेगा आगे की तरफ भी। ये बात समझ में आ गई। तो एक तो पावर का अरेंजमेंट आपका मैनुअल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक पावर विद्युत से आ रही है। तो एक मशीन है आपके हाथ में, उसके आगे एक गोटी लगी हुई है, उस गोटी को आपने नट पे लगाया और उस मशीन में अरेंजमेंट ये है कि अगर उसका लीवर उल्टा कर दोगे तो उल्टा डायरेक्शन में घूमेगी, सीधा कर दोगे तो सीधे डायरेक्शन में घूमेगी। तो यानी कि खोलना है या बंद करना है वो मशीन डिसाइड कर रही है, आपको उस पर लगाना है और ट्रिगर दबा देना है, खोल देगी। आपने ये वाली मशीन या अगली वाली श्रेणी की मशीन, जब कार रेस होती है ना, कार रेस गन लेके रखते हैं, वो इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, या मैं दूसरा भी बता देता हूँ, न्यूमेटिक भी हो सकती है। जब भी ये शब्द आए न्यूमेटिक, क्योंकि मैंने आमतौर पर हाइड्रोलिक नहीं देखी है, हाइड्रोलिक शब्द आए उसका मतलब है तरल, वो तरल के द्वारा शक्ति प्रेषण हो रहा है। न्यूमेटिक जब भी शब्द आए तो आप समझ लेना वायु के द्वारा, एयर के द्वारा, एयर का प्रेशर है जो उसको घुमा रहा है। तो न्यूमेटिक हो सकती है या इलेक्ट्रिक हो सकती है। आपने फॉर्मूला कार रेसिंग देखी है, वो 15-20 चक्कर काटने के बाद उनके टायर घिस जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रही हैं, तो टायर को बदलना पड़ता है उनको, वरना टायर स्लिप होने लगते हैं ना, उनको ट्रैक रेस पे ट्रैक्शन नहीं मिलता, उनकी जो गुड़ियां हैं वो घिस जाती हैं, ऐसा समझ लो। तो वो आके एकदम रुकेगा जहां पर उसकी टीम खड़ी हुई है, और तुमने देखा होगा बड़ी तेजी के साथ वो जैक भी लगाते हैं, सारे के सारे टायर भी निकाल देते हैं, उनके पास एक न्यूमेटिक वो होती है, गन होती है, वो लगाते हैं और एक सेकंड में सारे के सारे खोल के दूसरा टायर लगा के बंद करके उसको कहते हैं चल रेस पे, है ना, तो वो बहुत फास्ट होता है। तो ये हैं इसके कुछ पावर अरेंजमेंट। आज के इस लेक्चर में हमने नट बोल्ट फास्टनर्स, जो कि हमारी असेंबली को करवाते हैं, असेंबली बिना फास्टनर के नहीं हो सकती, दो पार्ट को हमें जोड़ना होता है, चाहे वो स्क्रू हो या नट बोल्ट हो। स्क्रू नट बोल्ट वाशर हम पहले कर चुके, आज के इस लेक्चर में हमने इन स्क्रू को नट बोल्ट को कैसे चलाते हैं उनके बारे में समझा। तो उसमें एक स्क्रू ड्राइवर है, स्पैनर है, और दूसरी तीसरी कैटेगरी आती है पावर कहाँ से आ रही है उनकी। ठीक, और इसके अलावा जैसे विंगनेट होता है ना आपका, विंगनेट जो आपके हेक्सा में लगा रहता है, उसको तो हम हाथ से ही खोलते बंद करते हैं, तो हाथ की ताकत, हमें किसी स्पैनर ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। ये कुछ ड्राइविंग अरेंजमेंट है। कोई आपका सवाल हो पूछ लेना, बाद में कोई सवाल आपके पास आए और वीडियो के कमेंट में डाल देना, और जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं आपका कोई सवाल हो, कुछ बात समझ में आई हो, तो आप भी इस वीडियो के कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर दे दूँगा। तो आज इस लेक्चर को यहाँ पर रोक दें, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।